सुशांत सिंह राजपूत मामले को सीबीआई के हाथ में सौंपे जाने के साथ ही बीएमसी ने भी बड़ा बयान जारी किया है। संक्रमण का दौर और क्वारंटाइन नियमों का हवाला देते हुए बीएमसी ने कहा, अगर सीबीआई की योजना मुंबई में 7 से कम दिनों तक रुकने की है तो उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। अगर वे 7 से ज्यादा दिन रुकना चाहते हैं तो उन्हें छूट की अनुमति लेनी होगी। गौरतलब है कि उसने यह बयान तब जारी किया है जब सुशांत के लिए न्याय की मांग करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुशी है। वहीं शीर्ष अदालत के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के बीच हलचल तेज हो गई है। इससे पहले जब पटना में सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, तब बिहार पुलिस की एक टीम मामले की जाँच करने मुंबई पहुंची थी। मुंबई पुलिस पर आरोप लगा कि उसने बिहार पुलिस के अफसरों को सहयोग नहीं किया। इसके बाद केस की जांच के लिए बिहार के IPS अधिकारी विनय तिवारी को मुंबई भेजा गया, लेकिन उन्हें वहां क्वारंटाइन कर दिया गया। जब बिहार पुलिस की ओर से तिवारी को क्वारंटाइन से मुक्त करने के लिए लेटर भेजा गया तो BMC ने कहा कि उन्हें पत्र मिल गया है और जल्द ही इस पर उचित फैसला लिया जाएगा। CBI SIT मामले में मुंबई के 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी पूछताछ करेगी। आरोप है कि इनमें से एक अफसर मामले के मुख्य संदिग्ध के साथ लगातार संपर्क में थे, वहीं दूसरे अफसर ने सुशांत के जीजा की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की अस्वाभाविक मृत्यु से संबंधित मामले के रिकॉर्ड से पहली नजर में मुंबई पुलिस द्वारा कुछ गलत किए जाने का संकेत नहीं मिलता, लेकिन बिहार पुलिस के काम में अड़ंगेबाजी से वो बच सकती थी, क्योंकि इसने ही इस जांच की शुचिता पर संदेह खड़े किए। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय ने अपने फैसले में कहा कि रिया चक्रवर्ती के वकील ने मुंबई पुलिस में भरोसा व्यक्त किया है, जबकि बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता का दावा है कि वह असली तथ्यों को दबा रही है और पेशेवर तरीके से जांच नहीं कर रही है। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में मुंबई पुलिस बगैर प्राथमिकी दर्ज किए ही धारा 174 के दायरे को खींचने का प्रयास कर रही है और इसलिए ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस एक संज्ञेय अपराध की जांच नहीं कर रही है, इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि मुंबई पुलिस समानांतर जांच कर रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।